आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने अपना पदभार संभाल लिया है। रणवीर सिंह चौहान बने अपर सचिव एवं महानिदेशक सूचना का यहां पर कार्यभार संभाल लिया है। सूचना भवन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं। रणवीर सिंह के पास परिवहन एवं एमडीडीए विभाग की जिम्मेदारी है। अब उस बाबत बैठक ले रहे हैं। अपना कार्यभार रणवीर सिंह ने संभाल लिया है, अपर सचिव बने हैं। ये अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। नवनियुक्त अपर सचिव ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। आईएएस रणवीर सिंह चौहान अपर सचिव बने हैं। अपर सचिव एवं महानिदेशक सूचना का यहां पर कार्यभार संभाल लिया है। सूचना भवन विभाग के अधिकारियों के साथ विकास को लेकर बैठक कर रहे हैं। रणवीर सिंह के पास परिवहन एवं एमडीडीए विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हम आपको रणवीर सिंह की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये वही है, ये दरअसल उत्तराखंड के अपर सचिव बने हुए हैं। इनका नाम रणवीर सिंह चौहान है। इनको नया काम मिला है। ब्यूरो चीफ शायन चौधरी जी इस खबर पर ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। शायन चौधरी जी, अब रणवीर सिंह चौहान ने अपना कार्यभार संभाल लिया और अहम बैठक भी विकास को लेकर चल रही है। बिल्कुल, देखिए, रणवीर सिंह चौहान को सूचना महानिदेशक और अपर सचिव सूचना का कार्यभार कल दिया गया था। आज उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है और आज से अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर किस तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं और सरकार की योजनाओं का किस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसको लेकर जो है उन्होंने बैठक भी की है। और सरकार की योजनाएं ज्यादा से ज्यादा प्रचारित प्रसारित हों इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जी, तो पहले इनकी प्राथमिकता क्या होगी, क्योंकि अगर योजनाओं की बात करें, कई ऐसी योजनाएं हैं, तमाम योजनाओं में सबसे पहले किस योजना पर ध्यान देंगे अपर सचिव? देखिए, जो भी सरकार निर्णय लेती है उन निर्णयों का जनता में भली भांति प्रचार प्रसार हो और जनता तक उसका संदेश पहुंचे, चाहे वो माध्यम अखबार हो, चाहे टीवी चैनल हो, चाहे सोशल मीडिया हो या और भी प्रचार के जितने भी माध्यम हैं, सरकार की योजनाओं का जोर शोर से प्रचार हो, जन जन तक वो प्रचार पहुंचे और जनता में एक अच्छी छवि बने, यही जो है सूचना विभाग का काम होता है और उसी तरह के निर्देश भी उनके द्वारा अधिकारियों की बैठक में आज दिए गए हैं। जी, कब तक ये बैठक चलेगी? बैठक के बाद क्या कोई नया निर्णय सामने आएगा? चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।